मेरा नाम अविनाश कुमार है और हम कृषि अधिकारी हैं पंजाब नेशनल बैंक के, और ये फतेहपुर ब्लॉक है, फतेहपुर प्रखंड है। इसके अंदर हमारे पीएनबी के बहुत सारे शाखाएं हैं और इस शाखा में जितने भी जीविका का क्रेडिट लिंकेज होता है वो हम जीविका के ऑफिस के सामंजस्य के साथ यहाँ पे लिंकेज कराया जाता है। क्रेडिट लिंकेज के लिए जो फर्स्ट स्टेप होता है उसमें जो कंसर्न सीएम होते हैं वो गांव में जाके जो भी डॉक्यूमेंट्स है उसको वो प्रिपेयर करते हैं, और डॉक्यूमेंट जब प्रिपेयर हो जाता है तो उसके बाद वो जो कंसर्न सीएम है वो हम लोग को खबर करते हैं लिंकेज के लिए। सभी दीदी भैया का प्रणाम। मेरा नाम ललिता कुमारी, ग्राम हसरा के रहने वाली हूँ। आरती जीविका स्वयं सहायता समूह के सदस्य हूँ तथा सपना जीविका महिला ग्राम संगठन का सदस्य हूँ। 11 समूह देख रही हूँ, सीएम पद पर काम कर रही हूँ। वीओ में 10 समूह जुड़ी हुई है। समूह में पैसा की मांग करती है, समूह में मांग करती है पैसा की, तो ऑफिस में ये फार्म मिलता है, इसमें भरना पड़ता है बैंक का नाम, शाखा का नाम, स्वयं सहायता समूह का नाम, स्वयं सहायता समूह का पता, बैंक बचत खाता का संख्या, समूह गठन की तिथि, समूह सदस्यों की संख्या, समूह गठन करने वाली संस्था का नाम। डॉक्यूमेंट तैयार करने के लिए सभी दीदी का फोटो चिपकाई जाती है, उसे पति का नाम पूरा एड्रेस लिखा जाती है, सचिव अध्यक्ष कोषाध्यक्ष का 6 जगह साइन करवाने जाती है। बैंक ऋण फॉर्म भरते समय लेन देन पत्र का प्राप्ति भुगतान लगता है, कार्यवाही पुस्तिका का फोटो कापी, नियमावली बैंक प्रस्ताव लिखा रहता है, सचिव अध्यक्ष कोषाध्यक्ष का आधार कार्ड का फोटो कापी, तीनों दीदी हस्ताक्षर करती है, एवं समूह बैंक के एग्रीमेंट का कापी जरूरत पड़ता है। कंप्लीट होने के बाद जो जीविका के जो स्टाफ मेंबर्स हैं उनके हेल्प से हम एक ऐसा प्लेस सेलेक्ट करते हैं जो महिलाओं के गांव से नज़दीक हो। फिर एक किसी खास दिन हम लोग महिलाओं को इस प्लेस पे बुलाते हैं ग्रेडिंग के लिए। ग्रेडिंग करने से पहले हम लोग ये जो समूह की जो महिलाएं लोग हैं इनको पहले हम लोग ओरिएंट करते हैं, इसमें हम इनको बताते हैं कि ग्रेडिंग होता क्या है, ऋण जो है वो किस शर्त पे इनको दिया जा रहा है, इसका रिपेमेंट ये लोग कैसे करेंगे, ऋण का ब्याज दर क्या होगा, जो भी पासबुक है उनके बारे में कि जो खाता है वो कितने टाइप के होते हैं, इनका ऋण खाता कौन सा होगा, बचत खाता कौन सा होगा, किस पे इनको ब्याज वापसी करना है, तो बैंकिंग संबंधी जो भी ज़रूरी बातें हैं वो हमको हम पहले इनको यहाँ पे बताते हैं, सिखाते हैं, और इसके पश्चात हम लोग इनका ग्रेडिंग करते हैं। लोन होने से पहले आपके पास एक खाता होता है जो कि होता है सेविंग अकाउंट, ठीक है, सेविंग अकाउंट बचत खाता, ठीक है। जब आपका लोन हो जाएगा, जब हम लोग लोन मतलब कि कर देंगे तो आपको अकाउंट खाता मिलेगा, ऋण खाता, तो जो ऋण खाता होगा उससे आपको पैसा निकालना है, और जो पैसा ऋण खाता से निकालिएगा उसको ऋण खाते पे ही डालना है। ऐसा नहीं मतलब कि कीजिए कि
पैसा निकाल रहे ऋण वाले से और डाल रहे बजट पे, ठीक है। अगर ऐसा आप करते हैं तो आपका ऋण का जो पैसा वो बाकी रहेगा, आपको अनिश्चित जो है सो ब्याज मतलब कि उसमें ये होगा, ठीक है। तो ऋण से अगर आप निकालते हैं तो ऋण पे ही डालिए, ताकि आप जितना इस्तेमाल कर रहे हैं उतना कहीं आपको ब्याज लगे, ब्याज आपको अधिक नहीं लगे, ठीक है। साल का 7%, और जो आम आपका दर है ग्रुप का वो है 2 रुपया एक मंथ का, मीन्स महीना का 2 रुपया, तो साल का हुआ कितना 24 रुपया, और बैंक आपसे मांग रहा है 7 रुपया। इसका मतलब जो आपका पैसा बच रहा है 17 रुपये, वो आपके समूह मतलब जो आपका समूह है उसका फायदा हुआ, ठीक है। और एक और खास बात यहाँ पे ये है कि अगर आप सही टाइम पे हर महीने अगर आप ब्याज की राशि वापस डालते हैं अपने खाते में बैंक आके, तो इसका एक और फायदा आपको मिलेगा कि आपको इंटरेस्ट सबवेंशन मतलब कि मिलेगा, उसमें आपको 3% का और भी बचत मिलेगा। तो हम आपसे ये आग्रह मतलब कि करते हैं कि जो भी आप पैसा बैंक से उठाते हैं वो वहाँ से उठाइए, उसका इस्तेमाल जहाँ भी जो भी आपके मेंबर हैं उनको दीजिए, उसका वो यूज मतलब कि करेंगे, और उसका जो ब्याज होगा वो हर महीने टाइम पे लाके बैंक को आपको वापस करना है। ग्रेडिंग करते समय हम लोग मेनली देखते हैं कि जो समूह है उसमें बैठक हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बैठक में जो महिलाओं की उपस्थिति कितनी है। इसके बाद हम देखते हैं कि इनका जो बचत है वो कितना, समूह की कॉर्पस राशि कितनी है, और बहुत सारे अन्य पॉइंट हैं जिनके ऊपर हम लोग देखते हैं। ये कुल 13 पॉइंट हैं, और अगर इन 13 पॉइंट्स में इनको 10 या उससे ऊपर पॉइंट्स अचीव होते हैं, इतने पॉइंट उनको आ जाते हैं, तो हम लोग इनका ग्रेडिंग करते हैं, और अगर इसमें से 10 से कम आते हैं, 8 आते हैं, तो हम लोग इसको रिकंसिडरेशन के लिए भेजते हैं, और पुनः कुछ दिन के बाद जो भी सुधार है वो अगर कर लेते हैं तो हम लोग दोबारा इनको ग्रेडिंग करते हैं। इसके अलावा जो सेकंड लिंकेज के लिए आते हैं उनमें मुख्यतः हम ये देखते हैं कि जो इन्होंने पहली बार बैंक से ऋण लिए हैं उसका इन्होंने किस तरह से रिपेमेंट किया है, क्या वो नियमित खाता इनका है, क्या इन्होंने टाइम से उसको पे किया है, और अगर ये सारी बातों से अगर हम सेटिस्फाइड मतलब रहते हैं तो इनको सेकंड लिंकेज तुरंत करते हैं। समूह में जो लोन देते हैं उसका ब्याज दर कितना है? सैकड़ा में 2 रुपया है, और जो आपका बचत होता है हाँ। उसमें सब पैसा इस्तेमाल करते लोन बाद में सबका करते लेन देन। अब ये बताइए कि जो आप लोग लेन देन करते हैं समूह में देते हैं तो लोग पैसा वापस करती है कि नहीं? हाँ भैया, एक देते हैं तो देते हैं सब मतलब कि हाँ। करती है आपस टाइम पे हम लोग के समूह सब ठीक है और सब टाइम पे मतलब कि देती हाँ। है ब्याज भी। और आप लोग का जो रजिस्टर है आप लोग खुद से मतलब कि करते मेंटेन? समूह का जो पंच सूत्रा है मालूम है आपको? हाँ भैया लगा। क्या सब मतलब होता है उसमें, नियमित बैठक वगैरह सब मालूम है? सब मालूम है। जो आपका 13 पॉइंट था उसमें 11 पॉइंट आपको आया है, और आपको लोन मतलब कि दिया जाएगा, तो जैसे भी आपको हम पहले बताए थे कि जो भी मतलब कि आपको इससे पहले बताए थे कि आप टाइम से आपको लोन अगर आप लेते हैं बैंक में तो आपको हर महीने टाइम से वापस करना, वैसे ही आप वापस कीजिएगा, ठीक है। आपको जो पासबुक नया वाला मिलेगा ऋण खाता वाला उसी से निकालना, उसी पे डालना, ठीक है। ठीक है, ठीक है, आपका हो गया है, ठीक जाइए।
दीदी भैया को प्रणाम। मेरे नाम ललिता देवी है, ग्राम सर्वे के रहने वाली हूँ। स्वयं सहायता श्री गुरु जी का अध्यक्ष हूँ। यहाँ पर हम लोग आए हैं सब समूह के तरफ से, सब दीदी को तरफ से लोन पास 1.5 लाख हम लोग के हो गया है।